पहले तो मुझे लगा था कि सिकड़ी और क्या था फतेहपुर ना, हाँ फतेहपुर और सिकड़ी एक ही है, बट जो वहाँ पे हमें गाइड मिला था तो उस गाइड ने तो हमें बना दिया है। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ अंदर, अभी आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पे और अभी क्या क्या है। एक बंदा मिला है मुझे यहाँ पे हमें दिखाने के लिए, गाइड तो नहीं होगा बट बोल रहा है कि हम मस्जिद के हैं कोई, तो देखते हैं सही है वैसे क्या क्या दिखा रहा है, अभी हम देखते हैं आगे जाके और क्या क्या है यहाँ पे। माथे पे जितने भी जो घोड़े के नाल नजर आ रहे हैं ना, ये सारे घोड़े घोड़े के जो नाल हैं सारे मन्नतों के नाल हैं। जिस किसी भाई का घोड़ा बीमार हो जाता है ना, पहले दरगाह जाता है, चादर चढ़ाते हैं, फूल डालते हैं, धागा बांधता है। घोड़ा ठीक होने के बाद मार्केट से नया नाल लाते हैं, टोकरी से यादगारी मेमोरी के। ऊपर दो बड़े वाले नाल है ना, इतना बड़ा घोड़े का पैर नहीं था, उसका नाम बड़ा था ब्रिटिश नोट कर दिया, इसलिए सर उसको 1905 में लगाया। तो जो यहाँ पे आपको ये कबर दिख रही है वो है सलीम चिश्ती बाबा के गुरु के परिवार वालों का, सिर्फ जेंट्स लोगों के। और यहाँ अंदर हैं लेडीज़ लोगों की कब्रें हैं यहाँ पे अंदर। यहाँ पे हम दरगाह में हैं और यहाँ से आप प्रसाद ले रहे हैं पीछे से। यहाँ पे आप प्रसाद, अगर आपको अंदर दरगाह में जाना है तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। और अंदर भी जाना था एक दरगाह में, बट हम गए नहीं क्योंकि जो मेरे साथ एक भाई आया है यहीं से आगरा से, वो मतलब ज़्यादा कुछ इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, तो अंदर तो हम प्रसाद लेके गए नहीं। बट यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि लेगा या नहीं लेगा प्रसाद, ठीक है। ये है जी यहाँ का, आप देखिए पीछे दरगाह है और यहाँ पे कवाली चलती है। अब चलते हैं आगे अंदर दरगाह में, ठीक है। अभी तक तो हम थे फतेहपुर में है ना। जो एक लड़का मिला था हमें बाहर, तो उसने बोला था कि हम तुम्हें घुमाएंगे फतेहपुर सिकड़ी बट उसने तो हमें अंदर सिर्फ फतेहपुर में घुमा के, जहाँ पे दरगाह है ना, सिर्फ उसने हमें वहाँ पे घुमाया। और बस उसने बोला कि हमें आगे जाने के लिए हमें आओ नहीं है, तो हम बस वहीं से आगे ना। तो अगर आप मतलब कभी कभी पहली बार आओ यहाँ पे, तो किसी भी गाइड को मत लेना, जो आपको बोले
छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे आपको 100 रुपये, 50 रुपये, हम 50 रुपये में आए थे। तो अगर आपको कोई भी बंदा मिलता बाहर से तो प्लीज़ उसको ना ले, क्योंकि वो बस आपको जो फ्री में घुमाना होता है उसके आपको 50 रुपये 100 रुपये मतलब आपके हिसाब से वो ले लेते हैं। टिकट का यहाँ पे रूल ये है कि अगर आपको आपके पास कैश है तो कैश आपकी टिकट है 50 रुपीज़ की, और जो है इंडियंस के लिए है ना, तो 50 रुपये हैं कैश, अगर आपके पास कैश है तो 50 रुपये की, और अगर आप कार्ड से पेमेंट करते तो 45 की आपको कार्ड से पेमेंट पड़ेगी। और अब तैयारी है सिकड़ी की, तो पहले तो मुझे लगा था कि सिकड़ी और क्या था फतेहपुर ना, फतेहपुर और सिकड़ी एक ही है, बट जो वहाँ पे हमें गाइड मिला था तो उस गाइड ने तो हमें बना दिया है। हाँ, हम अंदर जाने वाले हैं, तो वहाँ अंदर है क्या अभी तो हम देखने वाले हैं। तो ये है शबिस्तान इकबाल, जोधा भाई का महल है ये, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ। अब चलते हैं अंदर। अरे भाई साहब जी, अंग्रेज लोग भी आ रहे हैं यहाँ से अंदर से, तो ये देखिए जी फोटोज, ये है अंदर, अंदर का नज़ारा है जी ये, आप देखिए। अगर आप जब भी आते हो यहाँ पे तो यार ना गाइड तो करें ना, क्योंकि अगर आपको कुछ मतलब अगर आपको कुछ पर्सनली अगर बहुत ही डेप्थ में जाना है इसके, तो आपको बाहर ऑनलाइन बुक्स भी मिल जाएंगी यहाँ की, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि यार है ना, नहीं तो यहाँ से अंदर से भी गार्ड मिल जाते हैं। जितना जितना आप आगे आगे आओगे उतने उतने गाइड के रेट कम मिल जाएंगे, क्योंकि बाहर मिल रहा था वो 450 रुपये में, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा अंदर आए तो यहाँ पे हमें मिल रहा था वो 100 रुपये में, फिर थोड़ा सा हम आगे और गए तो वहाँ पे फिर बोल रहा था 50 रुपये में। तो कुछ है नहीं ऐसे मतलब ज़्यादा, तो बस ऐसी है मतलब, मुझे तो वैसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया वैसे, फिर भी आपके लिए बता देता हूँ कि मतलब अगर आप कभी आते हैं तो यहाँ पे कोई गाइड ना ले, है ना। बाकी तो यहाँ पे वैसे बहुत अच्छा है महल, तो अगर आपके पास कैमरा है तो आप बहुत अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते, और अगर आप कोई आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हाँ आप फिर तो शायद गाइड ले सकते।